गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। जो नहीं आए हैं उनसे बता दीजिए कि आज टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई थी सॉलिड स्टेट पर विद उसके कुछ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी साथ के साथ टॉपिक के साथ लिखे हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपको नहीं मिल पाई क्योंकि वो अपलोड ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, यूट्यूब का कुछ फॉल्ट है, वो अपलोड नहीं हो पा रही, तो मैंने कहा चलिए अब आपको लाइव में ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी जो नई यूनिट है वो है कौन सी, सॉलिड स्टेट। ठीक है, टॉपिक है, चैप्टर है, यूनिट है कौन सी अपनी, सॉलिड स्टेट। ये आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, एनसीईआरटी की फर्स्ट यूनिट है कौन सी अपनी, सॉलिड स्टेट। अब इस सॉलिड स्टेट में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, और ये कितने मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी तक जो बेटा इसका था कि इसका जो वेटेज है, इस यूनिट का जो वेटेज है वो था आपका कितना, 5 to 6 marks। ठीक है, तो ये अभी तक आपका 5 to 6 marks का पूछा जाता था एग्जाम में, कितना 5 to 6 marks का एग्जाम में पूछा जाता था। ठीक है, तो यहां से अगर आपके इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, अगर यहाँ से इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी आपके आएंगे, कुछ आपके फॉर्मूलेज भी आएंगे जो कि आपका इस चैप्टर से बनेंगे। अब देखो जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में सबसे पहले यहाँ से असर्जन और रीजन मैं आपको बताए दे रही हूँ कि यहाँ से असर्जन रीजन 101% बनता है। ठीक है, असर्जन रीजन जो आते हैं ना वो यहाँ से इस टॉपिक से जरूर बनता है आपका, किसका, सॉलिड स्टेट से। ठीक है, तो जब सॉलिड स्टेट आपकी जो है, कौन आया, हाँ भाई पढ़िए, तो जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट क्या है, वास्तव में क्या है सॉलिड, एक मैटर का स्टेट है, आप जानते हैं मैटर। ठीक है, मैटर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं आपको, मैटर क्लास 9th में आपने पढ़ा था। ठीक है, और मैटर की ही स्टेट है आपकी कौन सी, सॉलिड स्टेट। तो मैटर होता क्या है, मैटर क्या है, एनीथिंग Which have mass and occupy space. कोई भी चीज जिसमें की मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, और भाई जो आपके फ्रेंड्स हो गए हैं, क्योंकि जनसंख्या बहुत कम हो गई है आज टाइम के चेंज होने के कारण, तो अगर उन्हें टाइम नहीं पता है, वैसे मैंने मैसेज तो कर दिया है ग्रुप पर, लेकिन अगर उन्हें टाइम नहीं पता है तो आप उन्हें टाइम बता दीजिए, जगा दीजिए। तो सबसे पहले अगर हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज जिसमें कि मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप प्रॉपरली जानते हैं। अब दूसरी बात जो है, मैटर के कितने स्टेट होते हैं, देखिए मैटर के जो स्टेट है वैसे तो 5 होते हैं। ठीक है, 5 कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और आपका बोथ आइंस्टीन, और एक और होता है कौन सा, प्लाज्मा। ठीक है, तो इस तरीके से 5 आपके मैटर के स्टेट होते हैं, लेकिन उन में से जो मेन है, मेन कितने हैं आपके, 3 हैं। ठीक है, 3 मेन है, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जरा इनके बारे में हम लिख लेते हैं, सॉलिड, और दूसरा कौन सा है, लिक्विड, और तीसरा कौन सा है, गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों क्या है आपके, मैटर के स्टेट है। अब इनमें से जो लिक्विड है, लिक्विड को क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा जो लिक्विड स्टेट है इसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था, और जो गैसियस स्टेट है इसे भी आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, यानी कि 12th में। आपको लास्ट ईयर भी मैंने बताया था कि 12th में केवल और केवल आपको किसे पढ़ना है, सॉलिड को, पूरी की पूरी यूनिट है आपकी किससे रिलेटेड, सॉलिड से रिलेटेड। ठीक, तो सबसे पहले मैटर, मैटर को 3 में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आगे हम समझते जाएंगे। अब देखिए जो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अब केवल सॉलिड के बारे में पढ़ना है, सॉलिड के बारे में और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सॉलिड को जो डिवाइड किया हुआ है, सॉलिड को फर्दर डिवाइड किया हुआ है कितने में, 2 पार्ट में। ठीक है, सॉलिड को, ये जो चार्ट बना रही हूँ इसे याद रखिएगा, सॉलिड को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है आपका अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड, ठीक है, और दूसरा है कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, 2 टाइप के सॉलिड हैं, एक अमोर्फस सॉलिड और दूसरा कौन सा है आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड।
समझ रहे हैं, दो टाइप के सॉलिड। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड के जो टाइप है वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसे फर्दर डिवाइड किया हुआ है, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये फर्दर आपका फोर पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड है, फोर पार्ट में डिवाइड है। अब इनमें जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसके फोर पार्ट कौन कौन से हैं, पहला है आयनिक, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, दूसरा है आपका मेटलिक, मेटलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तीसरा है मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, और जो फोर्थ है वो है आपका कौन सा, नेटवर्क, नेटवर्क और कोवेलेंट, कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है, नेटवर्क और कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसे फिर से डिवाइड किया है कितने पार्ट में, फोर पार्ट में। क्रिस्टलाइन सॉलिड फोर पार्ट टाइप का है, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड और नेटवर्क और कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए फिर से इसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है, अब फिर से जो आपका कौन सा है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, कौन कौन से तीन पार्ट है, पोलर, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, दूसरा है आपका नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो ये तीन टाइप के आपके क्या हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देखिए जो आपकी ये फर्स्ट यूनिट है सॉलिड स्टेट, इसमें जो ये पूरा चैप्टर है मींस पूरी यूनिट है, इसे तीन पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है। एक में तो हमें केवल सॉलिड के बारे में पढ़ना है, मींस इसको डिटेल में पढ़ लेंगे तो हमारा एक पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है इसमें डिफेक्ट, इनमें सॉलिड में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, और तीसरा पार्ट बनता है इसके जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो। तो इस तरीके से इस चैप्टर को भी हमने कितने में, तीन में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में केवल हमें इतना डिटेल में पढ़ना है, बात समझ गए इतनी। तो सबसे पहले आपको पता है सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है, सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की एक स्टेट है। अब सॉलिड को फिर से दो में डिवाइड किया, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, क्या डेफिनेशन है अभी आगे समझा दूंगी, ठीक है। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड को फोर पार्ट में डिवाइड किया है, आयनिक क्रिस्टलाइन, मेटलिक क्रिस्टलाइन, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन एंड नेटवर्क क्रिस्टलाइन। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन को फिर से तीन में डिवाइड किया है, पोलर मॉलिक्यूलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, रफ करें फिर इसे, हो गया, चलिए आइए अब इसे हम करते हैं रफ। और यहां से आपका बेटा आ सकता है कौन सा, वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, बता दूंगी कहाँ से बन रहा है। अब देखिए इतना मैं रफ कर देती हूँ, अब इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, किसके बारे में, सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में। आई थिंक आप लोग जानते होंगे, फिर भी जस्ट एक बार में रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। तो सॉलिड क्या होते हैं, आप जानते हैं जो सॉलिड है, सॉलिड क्या है बेटा आपके, जो सॉलिड होते हैं उनमें जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जानते हैं ना क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, जानते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं रेड मार्कर से जो मैं बना रही हूँ, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है।
अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैसा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जिसके कारण जो मॉलिक्यूल से एक दूसरे से दूर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक, इतना स्ट्रॉन्ग है जैसे ही कोई दूर बाहर खिसकता है उसे तुरंत पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण क्या हुआ, इनके बीच में जो ये स्पेस है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा हो जाता है, लेस हो जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कैसा हो जाता है, लेस हो जाता है। जब इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस लेस हो गया तो यहां से इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर क्या निकल के आया कि ये कैसे होंगे, ये आपके कंप्रेसिबल नहीं होंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इससे क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड की कहानी निकल के आएगी, इसमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा हो गया, लेस हो गया, मींस अगर आप इनको कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेस भाई तभी होंगे जबकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में पास पास आ जाएं, लेकिन ये ऑलरेडी सॉलिड में ऑलरेडी इतने पास पास में होते हैं कि और अधिक पास में नहीं आ सकते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस होने के कारण क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, ये आपके कैसे हो जाएंगे, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी लेस हो जाएगी, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी लेस हो जाएगी, या फिर आप लिख सकते हैं एब्सेंट हो जाएगी। आपके पास सॉलिड ऐसे मार्कर है, आप इसे कंप्रेस करना चाहें तो ये कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। ये एक ट्रू सॉलिड का ध्यान रखना, मैं फिर से कह रही हूँ, ये दोबारा पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ट्रू सॉलिड का करेक्टरिस्टिक फीचर है कि अगर वास्तव में कोई भी कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो वो कंप्रेस नहीं होगा। ये सॉलिड स्टेट में है प्लास्टिक, ये कंप्रेस नहीं होगी, समझ गए इतनी बात। और क्यों नहीं होती है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा लेस होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस क्यों होता है, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। ये सारी बातें एक दूसरे में कैसी है बेटा, आपकी जुड़ी हुई है, बात समझ रहे हैं। आप समझिए कि मींस आप समझ रहे हैं कि ये जो है ये कैरेक्टर्स बनते जा रहे हैं किसके, सॉलिड के। अब कोई भी जो आपका स्टेट है वो सॉलिड, यानी कि कोई भी मटेरियल है वो सॉलिड क्यों है, आखिर उसके सॉलिड होने के क्या रीजन है उसके पीछे। तो इसके पीछे दो रीजन होते हैं, एक तो आपको मैंने बता दिया कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा रीजन क्या होता है, थर्मल एनर्जी, ठीक है, ये शायद मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ क्लास में, थर्मल एनर्जी, ठीक है। थर्मल एनर्जी वैसे तो कई टर्म्स में आपकी डिफाइन की जा सकती है, लेकिन थर्मल एनर्जी यहाँ पर जो हम डिफाइन लेंगे वो टेम्परेचर के बेस पर लेंगे, ठीक है, किसके बेस पर लेंगे, टेम्परेचर के बेस पर लेंगे। तो जो सॉलिड है, सॉलिड की थर्मल एनर्जी कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है, ध्यान रखिएगा। थर्मल एनर्जी कैसी होती है, वेरी वेरी लेस, ठीक है, थर्मल एनर्जी बहुत 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 ज्यादा कम होती है, समझ गए। तो इनकी थर्मल एनर्जी कैसी है, कम है, और थर्मल एनर्जी कम होने के कारण ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं आप, आइस, ठीक है। आइस आपने देखा है, आइस कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, आइस सॉलिड होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है, लो होता है, मीन्स टेम्परेचर लो है, थर्मल एनर्जी कम है, इसलिए वाटर कैसा हो गया आपका, सॉलिडिफाइड हो गया, बात समझे इतना। अब समझिएगा थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना, नेक्स्ट टॉपिक में टेम्परेचर कैसा हो गया, काफी लो हो गया, इसलिए जो वाटर है वो आइस यानी कि सॉलिड फॉर्म में आ गया। अब यहां पर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होगा, मैं केवल थर्मल एनर्जी बता रही हूँ क्योंकि लिक्विड में से और गैस में से आपका कुछ पूछा नहीं जाना है, केवल एक थोड़े बहुत चांसेस है कि इसके आपके असर्जन रीजन बनने के, यहाँ से असर्जन रीजन बनते हैं, ठीक है, तो असर्जन रीजन बनने के चांसेस, इसलिए थोड़ा सा कंपैरिजन मैं आइस का एग्जांपल लेके आपको समझाए दे रही हूँ, थर्मल एनर्जी समझाए दे रही हूँ। तो देखिए जो लिक्विड है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो कैसे होते हैं, इतनी इतनी दूरी पर होते हैं, और इतनी दूरी का मतलब है ये बीच में डिस्टेंस आ रही है ना, तो इस डिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं थी, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इनके बीच में बहुत सारी आपकी क्या है, डिस्टेंस है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
कैसा है, लेस है, किससे लेस है, सॉलिड से लेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सो मत जाइएगा, लेटे लेटे तो पढ़ रहे हैं, दिखाई दे रहा है मुझे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, लेस है, किससे, सॉलिड से, इसीलिए कैसे चले गए, दूर दूर चले गए, बात समझ गए। अब देखिए थर्मल एनर्जी, आपके पास आइस है, ठीक है, क्या है, आइस है, आइस को अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया, तो आइस को अगर फ्रीजर में से निकाल के आप किचन के एनवायरमेंट में रख दें, किचन के टेम्परेचर पर रख दें, तो वो क्या हो जाती है, पानी में कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स आइस मेल्ट टू फॉर्म वाटर। आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ये बात आप बहुत भली तरीके से जानते हैं। और वाटर में कन्वर्ट होने का मेन रीजन क्या है, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, और टेम्परेचर का इंक्रीज होने का मतलब आप समझते हैं क्या हुआ, थर्मल एनर्जी इंक्रीज हुई। ठीक है, क्या हुआ, जो थर्मल एनर्जी है वो कैसी हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, क्या हो गया आपका, थर्मल एनर्जी इंक्रीज हुई। ठीक, तो इसमें थर्मल एनर्जी इंक्रीज हुई। अब जरा सा इतना ही गैस में पढ़िए, अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल बनाऊं तो गैस के मॉलिक्यूल आपको पता बहुत दूर दूर होंगे, इनफैक्ट मेरे बोर्ड से ही बाहर निकल जाएंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि कोई गैस बनी है वो कैसे हैं, पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा दूर दूर हैं। और दूर का मतलब क्या है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, नेग्लिजिबल है। समझ गए ना, नेग्लिजिबल है, एब्सेंट मत लिख दीजिएगा कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एब्सेंट होता है, तो एब्सेंट कभी नहीं होता। अगर गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर एब्सेंट हो गया तो वो गैस आइडियल गैस बन जाएगी, और नेचर में कोई भी आइडियल गैस है नहीं, उसे कुछ कंडीशन पर आइडियल बनाया जाता है, पता है ना ये वाली बात। तो हमेशा आप क्या बोलेंगे कि जो गैस है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा होता है, नेगलिजिबल होता, मींस ना के बराबर, ना नहीं होता, ना के बराबर, मींस बहुत कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम क्यों है, इस थर्मल एनर्जी के कारण, किसके कारण, इस थर्मल एनर्जी के कारण। हुआ क्या, वॉटर बन गया, वॉटर को और टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, मीन्स थर्मल एनर्जी हमने और ज्यादा बढ़ा दी। अब आपने आइस निकाली थी, आइस को किचन में रख दिया तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ा तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गई। अब जो वो पानी मिला ना, आइस का पानी मिला, उसे आपने भगोने में भर के गैस पर रख दिया, ठीक है, गैस ऑन कर दी। अब गैस ऑन कर दी तो वो सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में, यानी कि क्या बन जाएगा, गैसियस फॉर्म आ जाएगा। गैसियस फॉर्म में कब कन्वर्ट हुआ, जबकि लिक्विड को आपने ज्यादा थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में, ठीक है। वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, स्टेट चेंज करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, थर्मल एनर्जी। तो आपको पता चल गया होगा कि जो गैस है, गैस की थर्मल एनर्जी कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है, ठीक है, क्या हाई होती है, थर्मल एनर्जी इन तीनों स्टेट में सबसे ज्यादा हाई होती है, किसकी, आपके गैस, बात समझ गए। अब देखो अगर इनका ही हम कंपेरिजन कर दें किसके बेस पर, कि ये जो आपके काइनेटिक एनर्जी के बेस पर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा कम है, सॉलिड के पार्टिकल्स कहीं मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा कम है। ये जो लिक्विड है, लिक्विड में फ्लो होने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसी होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है, सॉलिड से ज्यादा होती है। और जो गैस है, गैस के तो रैंडमली मोशन करते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मींस क्या है कि जो गैस है, गैस की जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स है वो कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है। तो थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बेस पर आपने सॉलिड लिक्विड गैस को क्लासिफाई कर लिया, यहां से असर्जन रीजन बन सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको थर्मल एनर्जी और साथ के साथ काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा सा रिवीजन करा दिया है, ठीक है। हाँ भाई, अगर क्वेश्चन पूछा है इसने कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को क्या कर दिया जाए, आपका
कंप्रेस कर दिया जाए तो क्या वो सॉलिड हो सकती है? पहले वो लिक्विड में आएगी, ठीक है, बात समझ रहे हो ना, पहले वो लिक्विड में आएगी और ज्यादा अगर इसे कंप्रेस कर दिया जाए, किसको, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अगर आपका और ज्यादा कंप्रेस कर दिया जाए तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होने के उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, बिकॉज उसकी जो एक और बात होती है उसमें उसकी लेटेंट एनर्जी, ठीक है, लेटेंट एनर्जी इतनी नहीं हो पाती है उसकी, जिसके कारण जो लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो इन नेचर, ठीक है, नेचर में या किसी भी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट में ऑक्सीजन को सॉलिडिफाइड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि ऑक्सीजन कभी भी सॉलिडिफाइड नहीं हो सकता, तो हो सकता है, ठीक है, हो सकता है उसकी लेटेंट एनर्जी के साथ कुछ चेंजमेंट करके किया जा सकता है, वरना इन नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट उसे सॉलिड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, लिक्विड में तो हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ गई। कुछ और भी गैसेस है जिन्हें कंप्लीटली सॉलिडिफाइड नहीं कर सकते, हो गया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिडिफाइड कर लेते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर सकते बेटा ऑक्सीजन को, जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को कर लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई, अब इतनी बात हुई, अब आते हैं इनके नेक्स्ट टॉपिक पर, और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था आपका, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड किया था ना, सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड किया था, कौन सा था, एक तो था अमॉर्फस और दूसरा क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा था अपना अमॉर्फस सॉलिड। अब इनकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, अमॉर्फस सॉलिड, देखिए पहली बात, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके मेटल और नॉन मेटल दोनों होते हैं, ये मत समझिएगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें केवल मेटल मेटल आएंगे, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेटल और नॉन मेटल दोनों आते हैं। जैसे आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है कौन सा, NaCl, ठीक है, ग्रेफाइट, इसके अलावा आपका डायमंड, ये सभी कैसे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है और है कैसे, नेचर में नॉन मेटल है, और कुछ मेटल है जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब कैसे मेटलिक फॉर्म में है और इन्हें भी क्लासिफाई किया गया है किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेटल और नॉन मेटल दोनों आते हैं, बात समझ गए। और जो आपके अमॉर्फस सॉलिड है इसमें मोस्ट ऑफ एक दो एक्सेप्शनल है, मोस्ट ऑफ आपके क्या आते हैं, नॉन मेटल्स ही आते हैं, बात समझ गए। जो अमॉर्फस सॉलिड है इसका क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ना पहले था ना अब है, बात समझ रहे हो ना। और जो कौन सा है अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका क्लासिफिकेशन है और इसे डिटेल में पढ़ना है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा एक ह्यूज डिफरेंस है, लेकिन अभी डिफरेंस मुझे नहीं पढ़ाना है, मुझे इनकी केवल डेफिनेशन पढ़ानी है फिलहाल में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, ऐसे सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं ये एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिर से समझ लीजिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न शो करते हैं, ठीक, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, दे शो स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है, ये क्या शो करते हैं, स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न शो करते हैं, कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, बात समझ गए, क्रिस्टलाइन सॉलिड ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न शो करते हैं, ठीक है। और जो अमॉर्फस सॉलिड है इनका कोई भी आपका नो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है, इनका कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं होता। अब इसका मतलब क्या है, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न और आपका इनडेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न का मतलब है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसके मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर एक का शेप, जैसे मान लीजिए एक हेक्सागोनल है, इस शेप का है,
तो बाद बाकी क्या होते हैं सब आपके ऐसे हो सकते हैं, मीन सभी इसी टाइप का शेप बनाएंगे। तो आपने अगर इसका एक एक पार्टिकल देख लिया, एक पार्टिकल हेक्सागोनल है, तो ये सारे पार्टिकल्स कैसे होंगे, हेक्सागोनल होंगे। मीन्स स्पेसिफिक सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप को ऑप्टेन कर रहे होंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन ही है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, किसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप को फॉलो कर रहे होंगे। मीन्स अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक कॉर्नर आपने देख लिया, आपने इतना इसे देख लिया, इतना काट के आपको दे दिया गया, तो आपको ये कैसे दिख रहे हैं सारे, ठीक है, यहाँ पर भी एक बना हुआ है, सारे के सारे आपको कैसे दिख रहे हैं, हेक्सागोनल दिख रहे हैं। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसका जो यहाँ पर भी पार्टिकल होगा वो भी कैसा होगा, हेक्सागोनल ही होगा। यानी कि एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करते हैं। क्या शो करते हैं, इस पार्ट को ध्यान से रखिएगा यार, जो मैंने ये इंपॉर्टेंट लिख दिया है, दे शो लॉन्ग रेंज या ऑर्डर, दे शो लॉन्ग ऑर्डर या लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। ये क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या शो करते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करते हैं, ठीक है, पूरे लिख लीजिए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करते हैं। लॉन्ग रेंज का मतलब है यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, पूरा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी ज्योमेट्रिकल पैटर्न कैसी रहेगी, सेम रहेगी, बात समझे। दूसरी बात, ये अमोर्फस सॉलिड है, नो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ये किसी भी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न का शो नहीं करते। मींस एक पार्टिकल तो हेक्सागोनल है और इसके बगल वाला जो पार्टिकल है वो इस टाइप का है, इसके बगल वाला ये गोलू गोले से है, इसके बगल वाला ये स्टार शेप है, ठीक है, नेक्स्ट इतना बड़ा है, उसके बाद आपके यहाँ पर इतना बड़ा है। तो ये कोई डेफिनेट पैटर्न आप देख रहे हैं, कोई डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सब अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप बना रहे हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सारे अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप शो करते हैं तो जो सॉलिड है वो कौन सा होता है आपका, अमोर्फस सॉलिड होता है, बात समझ गए, कौन सा सॉलिड होता है आपका, अमोर्फस सॉलिड कहलाता है, बात समझे इतनी। चलिए अब नेक्स्ट पर आइएगा, डन है इतना। तो ये कैसा हो गया आपका, एक अमोर्फस सॉलिड हो गया, ये कैसा हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। अब इसमें अगर आपको ये इतना मैंने पीस काट के दे दिया तो यहाँ पर तो ये कैसा है, गोल सा है, मैंने कहा कि ये एक अमोर्फस सॉलिड का पीस है, तो इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको एक बहुत अच्छी सी चीज पता चलेगी कि ये क्या शो करता है, दे शो शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर शो करते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब है यहाँ पर कैसा, यहाँ पर कैसा, सबका ज्योमेट्रिकल पैटर्न, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो ये दूसरा नाम है किसका, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड का मतलब है अमोर्फस सॉलिड। और एक बात और आपको बताएं, एक बात और आपको यहाँ पर अगर बता दें, तो जो कौन है हमारे अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्जिबल है, क्या कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड अमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है या कोई अमोर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, अमोर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट आपका है कौन सा, मैंने अभी जस्ट बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ग्रेफाइट किससे मिलकर बना होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रही हूँ, जो बोल रही हूँ मैं आपको, पता है ग्रेफाइट और डायमंड वास्तव में आपके क्या है, एलोट्रॉप से किसके, कार्बन के, जानते हो ना, ये मैं लिख देती हूँ कहीं पर, ठीक है, कार्बन है, कार्बन को या स्पेसिफिक टेम्परेचर और क्या मिलता है, प्रेशर मिलता है, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, डायमंड में या फिर आपके ग्रेफाइट में, जानते हैं ना इतनी बात। अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया था ये कौन से सॉलिड है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जबकि जो ये है, अगर मैं यहाँ पर कोल की बात कर दूं तो कोल कैसा है आपका, एक अमोर्फस सॉलिड है, अमोर्फस सॉलिड है, ठीक है। तो यहां पर ये एक दूसरे में क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, तो किस पर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड अमोर्फस, अमोर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं, बिल्कुल,
ठीक है, यानी कि ये जो सॉलिड है ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। बात इतनी समझ गए? तो ये दोनों की डेफिनेशन और ये दोनों के क्या है, थोड़े से अलग अलग नाम। ठीक, अब जो कौन सा है आपका, अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड को एक तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड भी कहते हैं, इसका एक और नाम है काफी इंपॉर्टेंट सा नाम है, जिसे हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इधर से इंपॉर्टेंट है। स्यूडो सॉलिड क्यों बोलते हैं? स्यूडो का मतलब क्या होता है? रॉन्ग, सॉरी, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स का मतलब झूठा। तो ये जो है अमोर्फस सॉलिड कैसा होता है आपका, एक फॉल्स सॉलिड होता है। देखने में तो आपको क्या लगता है, सॉलिड लगता है, लेकिन वास्तव में वो सॉलिड की सभी प्रॉपर्टी, भाई सॉलिड तो वही होगा ना जो सॉलिड की सभी करेक्टरिस्टिक फीचर्स को फॉलो करे। तो देखने में सॉलिड है, सॉलिड में रखा गया है, लेकिन वो सॉलिड के सभी करेक्टरिस्टिक फीचर्स को फॉलो नहीं करता। जैसे जैसे इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है रबर। रबर ना जानते हो ना, रबर फोम वगैरह, देखने में कैसी लगती है, बिल्कुल सॉलिड होती है, लेकिन क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। बिल्कुल आपने देखा होगा कि जो रबड़ है वो क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है, आप उसे दबाएंगे तो कंप्रेस हो जाएगी। और जस्ट अभी मुश्किल से 10 मिनट पहले ही हम पढ़ के आए हैं कि सॉलिड का एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि जो इजिली आपका कंप्रेस ना हो। ठीक है, तो ये जो रबड़ है वो किस में आएगी, रबड़ इज एग्जाम्पल ऑफ अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, क्यों रखा गया है, क्योंकि वो सॉलिड के सभी करेक्टरिस्टिक फीचर्स को फॉलो नहीं करता, वो कंप्रेस हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ग्लास। ठीक है, ग्लास जो होता है वो भी स्यूडो सॉलिड है। आपको ग्लास कैसा लगता है, सॉलिड लगता है, लेकिन अगर ग्लास को लंबे टाइम तक, ग्लास को लंबे टाइम तक आप क्या करें, एक जगह रखा रहने दें, तो ग्लास फ्लो करने की कैपेसिटी शो करता है। मीन्स धीरे धीरे 80, 90, 100 साल में फ्लो करके नीचे आ जाता है, नीचे की तरफ थिक हो जाता है, ऊपर की तरफ थिन, अगर आप उसे वर्टिकली सीधा रखे हुए हैं किसे, किसी भी ग्लास ऑब्जेक्ट को। तो ग्लास क्या हो रहा है, बह रहा है, फ्लो हो रहा है। और फ्लो कौन होता है, लिक्विड फ्लो होता है ना, सॉलिड तो कभी फ्लो नहीं होता कि ये प्लास्टिक का मार्कर मैं ऐसे रख दूं तो यहाँ पर पतला हो जाएगा, यहाँ पर मोटा हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला ना। ठीक है, वैसे प्लास्टिक भी सॉलिड इसी में आती है। ठीक है, तो जो आपकी अमोर्फस सॉलिड है, अमोर्फस सॉलिड में दूसरा एग्जाम्पल जो मैं बता रही थी वो क्या था आपका, ग्लास था। क्योंकि ग्लास क्या करता है, फ्लो हो जाता है, फ्लो करने की कैपेसिटी शो करता है। ठीक है, प्लास्टिक भी आपकी फ्लो करने की कैपेसिटी शो करता है। तो जो भी फ्लो कर रहा है, तो फ्लो होना लिक्विड का करेक्टरिस्टिक फीचर है, इसीलिए ग्लास को स्यूडो सॉलिड में रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो ग्लास है ये स्यूडो सॉलिड में रखा गया है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ और फिर आपकी छुट्टी करती हूँ। आज आपको बस इतना ही पढ़ाऊंगी, कल इनके टाइप पढ़ाएंगे, किसके, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के। फटाफट से मुझे आंसर बताइएगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के चार टाइप होते हैं, कौन कौन से, फोर टाइप है, फटाफट से नाम बता दीजिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड के चार टाइप कौन कौन से हैं, नाम बता दीजिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम बता दीजिए, आयनिक, मेटालिक, नेटवर्क। एक और बचा है बेटा, मॉलिक्यूलर। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कौन कौन से हैं, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड और आपका मेटालिक सॉलिड। ठीक है, फोर टाइप के हो गए कौन से आपके सॉलिड। अच्छा, अब ये बताइए, स्यूडो सॉलिड का कोई एग्जाम्पल बता दीजिए, स्यूडो सॉलिड का कोई एक एग्जाम्पल बोलिए। ये ग्लास, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सही है, ग्लास की है आपका स्यूडो सॉलिड का एग्जाम्पल। बात समझ रहे हो ना, स्यूडो सॉलिड क्या है आपका, ग्लास है। और ध्यान रखिए, जो ये 4 या 5 क्वेश्चन में डेली पूछती हो ना, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, तो हो सके तो इन्हें भी नोट कर लिया करो। ठीक है, 4 क्वेश्चन नोट करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, हाथ नहीं दुखेगा। बात समझ गए, आज तो केवल 2 ही पूछ रही हूँ। और हाँ, क्या बोल रहे हो, बायो की टाइमिंग चिराग 3 बजे से ही है। ठीक है, 3 बजे से ही है बायो की टाइमिंग, उसमें कोई फेर बदल नहीं है। चलिए बेटा, तो कल मिलते हैं आपको सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।